एसोसिएट स्पॉन्सर भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। खास खबर के प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर वन आयुर्वेदिक औषधि वे टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। चौबीस घंटे में देश में मिले 56,000 से ज्यादा मरीज, 919 ने गवाई जान, 45,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ, एक्टिव के 6,00,000 के करीब। प्रदेश में 24 घंटे में 750 से ज्यादा बीमारों की पुष्टि, 39,000 के करीब पहुंचे संक्रमित मामले, अब तक 455 की गई जान, रिकवरी रेट 83% की करीब। नई शिक्षा नीति को लेकर गठबंधन सरकार का मंथन, चंडीगढ़ में हुई बीजेपी और जेजेपी विधायक दल की बैठक, संस्कृति मॉडल स्कूलों की संख्या बढ़ाने की तैयारी। रोहतक में फिर महसूस हुए भूकंप के झटके, देर रात 1:30 बजे पर आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 2.9 मापी गई तीव्रता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको कोरोना की रफ्तार प्रदेश में क्या है इसकी जानकारी देंगे। तो कोरोना अपडेट आप देख रहे हैं, हरियाणा में कोरोना की रफ्तार ने डरा दिया है और एक दिन में 752 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 7 लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई है। अब तक 38,548 लोग संक्रमित हैं। प्रदेश में 6,133 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। दिल्ली से सटे जिलों में कोरोना से हाल बेहाल है और फरीदाबाद में कल 169 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि गुरुग्राम में थोड़ी राहत हुई जरूर है। फरीदाबाद में 9,510 लोग संक्रमित हो चुके हैं, गुरुग्राम में 9,412 लोग अब तक संक्रमित हैं, जबकि गुरुग्राम में 125 मरीजों की मौत हो चुकी है। सोनीपत में 3,045 कोरोना के कुल मामले सामने आए हैं। तो ये आपको अपडेट बता रहे हैं, ताजा आंकड़ा आप देख रहे हैं कि एक दिन में 752 नए केसेस की पुष्टि हुई है, जबकि 7 लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई है। वहीं इस वक्त 455 मरीजों की मौत रिकॉर्ड की गई है, कुल जो आंकड़ा है वो 455 तक पहुंचा है, जबकि 39,000 के पास कोरोना के संक्रमित केसेस पहुंच रहे हैं। फरीदाबाद में 169 कोरोना के पॉजिटिव केसेस एक दिन में सामने आए हैं, जबकि गुरुग्राम में 64 केसेस सामने आए हैं। गुरुग्राम में इस वक्त 9,412 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, वहीं 125 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। सोनीपत में 3,045 कोरोना के कुल केसेस हैं। तो दिल्ली से सटे हुए इलाकों में सबसे ज्यादा कोरोना का प्रभाव दिखाई दे रहा है और एक दिन में 752 नए केसेस हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 38,548 लोग अब तक प्रदेश में कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं। और फरीदाबाद में 9,510 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि गुरुग्राम में 9,412 कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं। गुरुग्राम में 125 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और सोनीपत में 3,045 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं अब तक, जो कुल आंकड़ा है वो आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, हर दिन मामले 700 के पार आ रहे हैं और एक बार फिर से 752 मामले 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं। प्रदेश में 6,133 अब तक एक्टिव केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि दिल्ली से सटे हुए इलाकों का हाल ज़्यादा बुरा दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद में 9,510 कोरोना के संक्रमित मामले हैं और गुरुग्राम में 9,412 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि गुरुग्राम में 125 मरीजों की मौत हुई है। और सनी मलिक इस वक्त सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, इस वक्त ताजा अपडेट सोनीपत को लेकर क्या है, क्योंकि सोनीपत में भी कोरोना की रफ्तार काफी बढ़ी है और कुल केसेस 3,000 के पार है।
जी जया, मैं आपको बता दूं सोनीपत में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव जो का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा था, लेकिन कुछ एक दो हफ्ते से जो कोरोना पे जो लगाम है वो सोनीपत स्वास्थ्य विभाग लगाने में कामयाब हुआ है। क्योंकि अगर जो हम पिछले एक हफ्ते का डाटा निकाले जया तो लगभग हर रोज 30 से 35 नए मरीज ही सामने आ रहे हैं, जो कि एक सोनीपत के लिए राहत की खबर है। क्योंकि एक समय ऐसा था जया कि सोनीपत में हर रोज लगभग 100 से 110 जो नए मरीज है वो सामने आ रहे थे। उसके अलावा अब सोनीपत में कुल जो आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का वो 3095 पहुंच चुका है। लेकिन राहत भरी खबर एक ये है जया कि यहाँ पर जो एक्टिव मरीज हैं वो केवल 300 हैं, 2700 के आसपास जो मरीज हैं वो रिकवर कर चुके हैं, और हालांकि 33 जो मरीज हैं वो अपनी जान भी गंवा चुके हैं कोरोना से। जी जया जी, सनी रिकवरी काफ़ी बेहतर दिखाई देती है पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें, इस वक्त 83% रिकवरी रेट है। तो ऐसे में जो रिकवरी की जा रही है, जो मामले भी सामने आ रहे हैं, क्या पता चल रहा है गंभीर लक्षण वाले कितने मामले हर दिन सामने आते हैं या एसिम्प्टोमेटिक के ही मामले अब तक सामने आ रहे हैं सोनीपत में भी? जी, अगर जो हम एसिम्प्टोमेटिक की बात करें तो सोनीपत में ऐसे ज़्यादातर ऐसे केस ही हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक है, जिनमें कोई लक्षण है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो मरीज जिन्होंने जान गंवाई है कोरोना से, उनको कोई गंभीर बीमारी थी, जैसे किसी को टीबी थी, किसी को हार्ट की बीमारी थी, किसी को ब्लड शुगर थी और किसी को कैंसर था, उन्हीं मरीजों ने केवल कोरोना से अपनी जान गंवाई है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की खबर ये है सोनीपत वासियों के लिए जया कि जितने भी मरीज ठीक होकर घर जा रहे हैं, अब जो पहले 14 दिन का समय लेते थे ठीक होकर घर जाने में, अब वो 7 दिन में ही अपने घर जा रहे हैं ठीक होकर। सोनीपत आइसोलेशन वार्ड की बात करें या खानपुर पीजीआई की बात करें, और उसके अलावा जो सोनीपत स्वास्थ्य विभाग लगातार 2000 के आसपास टेस्ट है हर रोज कर रहा है कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन में, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है टेस्ट का। लेकिन जो पॉजिटिव मरीजों की जनसंख्या है वो 30, 40 या 50 तक ही आ रही है हर रोज, जो कि एक राहत की खबर है। हालांकि सोनीपत जिला प्रशासन की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तो कोरोना की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। जो दिल्ली से आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, सैंपल है वो लिए जा रहे हैं। हालांकि सोनीपत पुलिस प्रशासन की जितनी तारीफ की जाए इस पूरे कोरोना काल में जया, उन्होंने एक डंप है वो उठाकर दिल्ली से दिया था स्वास्थ्य विभाग को फोनों का, जो हर रोज दिल्ली आते जाते रहते थे, उससे जो रोकथाम है वो लगी है कोरोना पर। और जो उनके जो मरीज थे जो दिल्ली से या कोरोना लेकर सोनीपत आते थे, उनको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया, उनका टेस्ट लिया गया और वो अब ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जी जी, सनी बने रहिए आप हमारे साथ। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, लगातार कोरोना के केसेस गुरुग्राम से भी सामने आ रहे हैं, लेकिन राहत की जो खबर इस वक्त मिल रही है वो ये है कि सिर्फ एक दिन में 64 मामले सामने आए हैं। ताजा तस्वीर गुरुग्राम की क्या है इस वक्त? के जो आंकड़े बढ़ रहे थे, तेजी से बढ़ रहे थे, उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली, और यही कारण है कि गुरुग्राम में आज रिकवरी रेट काफी ज्यादा है और एक राहत की बात है। क्योंकि गुरुग्राम की बात की जाए तो पिछले 3 दिनों से लगातार 100 से कम कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 100 से ज्यादा रही है। यानी कि अब एक्टिव मामले 725 कोरोना पॉजिटिव के हैं गुरुग्राम में, जबकि कुल आंकड़ों की बात की जाए तो 9375 मामले अभी तक कोरोना पॉजिटिव के आए हैं, जिसमें से 8548 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार जो केसेस में कमी आई है और जो टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई, उसके बाद एक राहत की बात यहाँ यही निकल कर आ रही है कि अब जो रिकवरी रेट है वो काफी अच्छा आ रहा है और 1000 से नीचे यानी कि 725 पर अब एक्टिव मामले आ गए हैं, जिसमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो घर पर ही क्वारंटाइन किए हुए हैं, और इसके अलावा करीब 200 के करीब ही ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं। तो जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरह से कोरोना का कहर गुरुग्राम पर बरप रहा था, तो उस बीच अब एक राहत की बात यहाँ निकल कर आ रही है कि लगातार रिकवरी रेट अच्छा हुआ है और लगातार जिस तरह से मामले जो बढ़ रहे थे उसके अंदर भी एक बड़ी कमी आई है, और यही कारण है कि गुरुग्राम में हरियाणा में सबसे ज्यादा अभी तक टेस्ट किए जा चुके हैं, जो 1,12,725 के जो कोरोना टेस्ट हैं वो
वो हो चुके हैं, जिसमें से 1,725 नेगेटिव सैंपल्स आए हैं। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा आंकड़ा, क्योंकि रोजाना करीब 3,000 के करीब जो टेस्ट किए जा रहे हैं। और अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो इंडस्ट्री एरिया है वहां भी अब कोरोना के टेस्ट किए जाएंगे, कोविड टेस्ट किए जाएंगे, उसको लेकर लगातार जो उद्योगपति हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है कि उनके जो कर्मचारी हैं उनकी लिस्ट दी जाए और सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि किस इलाके में किससे सबसे ज्यादा केसेस हैं। और जहां इलाके से केस ज्यादा आ रहे हैं वहां जिस तरह से कंटेनमेंट जोन बनाए गए, कंटेन जोन के मार्फत ये कोशिश की गई कि जिस इलाके में सबसे ज्यादा मामले आए वहां पूरी तरह से सख्ती बरती गई, लॉकडाउन की जो नियम है वो वहां लागू किए गए और निश्चित तौर पर एक बड़ी कमी देखने को मिली। तो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी कह सकते हैं कि बड़ी जीत की तरफ आगे जा रहा है कि 725 गुरुग्राम जैसे शहर में अभी एक्टिव मामले हैं और स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जल्द ही इनमें एक बड़ी कमी देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, अगर फरीदाबाद की हम बात करते हैं, क्योंकि गुरुग्राम और फरीदाबाद लगातार शुरुआती दिनों से ही काफी प्रभावित रहा है, ये दोनों ही जो इलाका है बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, और ऐसे में अब गुरुग्राम में जब भारी कमी देखने को मिल रही है तो साफ तौर पर ये कह सकते हैं हम कि जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है, जैसा कि आपने भी बताया कि लगातार बढ़ाई जा रही है, उसी की वजह से ये मामले अब कंट्रोल होते दिख रहे हैं। देखिए जय, देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है यहाँ दो चीज़ें देखने वाली होंगी, क्योंकि गुरुग्राम एक ऐसी स्थिति में खड़ा था, एक ऐसे पड़ाव पर था जहाँ हरियाणा में सबसे ज़्यादा मामले निकल कर आ रहे थे और सबसे ज़्यादा कोरोना से मौतें हुई थी। लेकिन पिछले एक महीने के आंकड़े पर नज़र डालें तो आज फरीदाबाद, सोनीपत, ये तमाम लगातार यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं और फरीदाबाद तो मौत के आंकड़ों में गुरुग्राम से काफ़ी आगे निकल गया है। तो इसको लेकर निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो पहल की गई थी कि टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई, गुरुग्राम में 3,000 टेस्ट डेली किए गए और एक बड़ी पहल कह सकते हैं, और सरकार की तरफ से जो कदम ये उठाया गया, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कदम उठाया गया, उसे ये सुनिश्चित कर लिया गया कि किस इलाके में कोरोना के पेशेंट ज्यादा हैं और वहां पूर्णतः इलाज दिया गया, सख्ती बरती गई, लॉकडाउन के जो नियम है वो लागू वहां किए गए, तो उससे एक बड़ी कमी देखने को मिली। और अब जो आंकड़ा घटा है वो कंटेनमेंट जोन के मार्फत जो कोशिशें की गई थी उसका एक बड़ा कारण है। और फिलहाल कोशिश स्वास्थ्य विभाग की यही है कि कंटेनमेंट जोन जो बनाए गए हैं, बफर जोन जो बनाए गए हैं, वहां पूरी तरह से सख्ताई बरती जाए और निश्चित तौर पर इससे एक बड़ा जो आंकड़ा बढ़ रहा था उस पर एक विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोशिश यही है कि गुरुग्राम को कोरोना फ्री बनाया जाए, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती भी आगे है, क्योंकि जब टेस्ट की संख्या बढ़ेगी तो शायद जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं वो उनके आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, मामले ट्रेस होंगे और मामले जब ट्रेस होंगे तो वो आंकड़ों में उछाल भी दिखाई देगा, और अभी जो स्थिति है इसे बनाकर रखना भी एक स्वास्थ्य महकमे के लिए बड़ी चुनौती होगी। बने रहिए आप हमारे साथ, फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक भी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और जो ये इलाका है दिल्ली से सटा हुआ उनमें ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है, हालांकि गुरुग्राम में जो राहत की खबर यह है कि आंकड़े काफी कम हुए हैं, 24 घंटे के आंकड़ों को अगर हम देखें तो सिर्फ 64 है, लेकिन वो स्थिति फरीदाबाद में हमें नहीं दिखाई देती, तो इसके पीछे वजह क्या आपको लगती है? बिल्कुल, देखिए जया, अगर फरीदाबाद की बात करें तो थोड़ी सी स्थिति भिन्न यहाँ की दिखाई देती है। जिस तरह से जिला उपायुक्त यशपाल यादव की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसमें दावा किया गया था कि फरीदाबाद में लगातार स्थिति सुधरती दिखाई दे रही है, और इसके पीछे वजह यही है कि पहले से डबलिंग रेट बढ़ गया है, और जिस तरह से पहले जो कोरोना के मरीज काफी दिनों में ठीक हो रहे थे अब वो जल्दी जल्दी ठीक हो रहे हैं। इसके साथ अगर देखिए पिछले 24 घंटे के जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली से सटा इलाका है, चूंकि हरियाणा का फरीदाबाद सबसे आबादी भरा जिला है और 27 लाख के करीब की यहाँ आबादी है, तो ऐसे में मामले बढ़ने लाजमी से हैं और इस बात को लेकर अधिकारी भी इस बात को लेकर मान रहे हैं। 24 घंटे की पिछली बात करें जाए तो देखिए 169 मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं और इसके साथ साथ में 2 मौतें भी हो चुकी हैं। लेकिन इसके साथ अब ये जो पॉजिटिव की संख्या है वो टोटल 9508 पर पहुंच चुकी है, लेकिन इसके साथ में अब अगर एक्टिव केस की बात करें तो जो पहले 1500 तक और 1600 तक की संख्या पहुंच गई थी अब वो घटकर 967 पर रह गई है। चूंकि इसी वजह यही है कि जल्दी जल्दी मरीज जो कोरोना के हैं वो
ठीक हो रहे हैं। और इससे भी अच्छी बात यह है कि जो हॉस्पिटलाइज हैं उनकी संख्या काफी कम है, वो 200 के करीब रह चुकी है। बाकी जो एसिम्प्टोमेटिक केस हैं और जो घर पर रह रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। तो कह सकते हैं कि धीरे धीरे स्थिति में सुधार जरूर आ रहा है, लेकिन अभी वक्त लगेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो हम देखिए गंभीर स्थिति जो है अगर फरीदाबाद में लोगों की जो वेंटिलेटर पर है उनकी संख्या अब केवल 9 है, जो गंभीर रूप से बीमार है वो भी 40 है। तो इस तरह से लगातार कोशिश जिला प्रशासन की यही है कि धीरे धीरे, हालांकि कोरोना पॉजिटिव के अगर टेस्ट की बात करें हम तो वो लगातार कोशिश यही है कि 5 किलोमीटर के दायरे में टेस्टिंग की जा रही है। और इस वजह एक वजह यह भी मानी जा रही है कि ज्यादा टेस्टिंग स्पीड है वो बढ़ा दी गई है और इसकी वजह से कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन अच्छी स्थिति के लिए लगातार दावे यही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, कि जल्द ही स्थिति में सुधार आएगा और आने वाले। बिल्कुल। और देवेंद्र देखिए हरियाणा को अगर हम देखते हैं कोरोना की स्थिति में तो ये तस्वीर सबसे राहत भरी होती है कि रिकवरी रेट काफी अच्छी है। यहाँ पर 83% तक रिकवरी रेट है और जैसा कि आपने भी कहा कि सिर्फ 9 लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी वेंटिलेटर पर रखा गया है फरीदाबाद में। तो इस तरीके की तस्वीरें ही दर्शकों को कम से कम ये बताने के लिए काफी हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हरियाणा में सभी जिम संचालकों और योग केंद्र संचालकों को सभी आने जाने वालों की रजिस्टर में एंट्री रखनी होगी, साथ ही थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखना होगा। कैथल जिले में आदेश के बारे में हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। कोरोना महामारी के चलते आज से MHA की गाइडलाइन के मुताबिक अनलॉक 3 में सभी योग केंद्र और जिम खोल दिए गए हैं। जिस तरह से कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में ये सभी चीज़ें बंद थी, जिसको लेकर इन संचालकों को काफ़ी लॉस उठाना पड़ रहा था। MHA की गाइडलाइन के मुताबिक आज से सभी को नियमों का पालन करना होगा। बाकायदा जिम में हर आने जाने वाले की रजिस्ट्री में एंट्री मेंटेन रखी जाएगी। वहीं हर आने जाने वाले की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और हैंड सैनिटाइज करवाए जाएंगे और बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना होगा। काफ़ी दिनों से जिस तरह से जिम और योग केंद्र बंद थे, इसको लेकर लोगों में भी काफ़ी खुशी की खबर सामने आई है। वहीं आज से जिस तरह से जिम संचालकों ने भी इसको बाकायदा पूरी तरह से तैयार किया और हर आने जाने वाले बैच के बाद पूरी तरह से जिम को और योग केंद्र को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन पृथ्वीराज के साथ जोगिंदर कुंडू, इंडिया न्यूज़, कैथल। कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि बेहतर प्रबंधन और उत्पादन वाले माहौल के चलते हरियाणा में फिर से अन्य राज्यों के मजदूर वापस लौटने लगे हैं और जल्द ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन जोर पकड़ लेगा। सरकार में कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री JP दलाल ने साफ तौर पर कहा है कि अब अधिकांशतया कामगार मजदूर प्रदेश में वापस लौटने लगे हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार की औद्योगिक प्रबंधन की जो नीतियां हैं वो खास हैं, अहम हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं अब जो कामगार मजदूर था वो काम पर लौट चुका है। और ऐसे में प्रदेश में औद्योगिक विकास की रफ्तार भी निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा। साथ ही टिड्डी दल के अटैक पर बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि टिड्डी दल के अटैक को नाकाम करने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी प्रशासनिक अमले के साथ पूरी मुस्तैदी से जुटे रहे, इस वजह से नुकसान होने से बचा है। हालांकि 90% से ज़्यादा टिड्डियों को ख़त्म किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने राजस्थान के सिर पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि जिन जिलों में ज़्यादा नुकसान हुआ है वो राजस्थान में टिड्डियों के प्रजनन की वजह से हुआ है, क्योंकि वहाँ पर इसके रफ्तार को रोका नहीं गया था। साथ ही किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने ये भी कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जिन मामलों की जांच, उन्होंने रजिस्ट्री घोटाले पर बोलते हुए ये बात कही कि जिन मामलों की जांच प्रदेश सरकार करवा रही या करवा चुकी है उनके ऊपर विपक्ष अब प्रतिक्रिया कर रहा है, आरोप लगा रहा है। ऐसे में उनके पास कोरोना काल में और कोई काम नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि बिजली पानी के प्रबंधन के लिए प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण काल में भी पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। भिवानी में ना केवल डेयरी खोलने बल्कि साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यहाँ पर वेयर हाउसिंग के गोदाम भी नए खोले जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। इसीलिए आज ही policybazaar.com से हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
देश प्रदेश, खेल और ग्लैमर की हर हलचल। हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा, देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार, आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार, मेरी जैसा कोई दूसरा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। अचीव एम्बिशन Dreams, success. Join KR Mangalam University, your destination success. हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। इसीलिए आज ही policybazaar.com से हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस, सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। खास खबर के प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर वन आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। 24 घंटे में देश में मिले 56,000 से ज्यादा मरीज, 919 की गई जान, 45,000 से ज्यादा स्वस्थ हुए, एक्टिव केस 6,00,000 के करीब। प्रदेश में 24 घंटे में 750 से ज्यादा बीमारों की पुष्टि, 39,000 के करीब पहुंचा संक्रमित आंकड़ा, अब तक 455 की मौत, रिकवरी रेट 83% के करीब। नई शिक्षा नीति को लेकर गठबंधन सरकार का मंथन, चंडीगढ़ में हुई बीजेपी जेजेपी विधायक दल की बैठक, संस्कृति मॉडल स्कूलों की संख्या बढ़ाने की तैयारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग की दो महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का शुभारंभ कर मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बेटियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का शुभारंभ करते हुए बताया कि महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत 10 से 45 साल की बीपीएल और एएवाई परिवारों की महिलाओं और किशोरियों को सरकार की ओर से सैनिटरी पैड आंगनवाड़ी केंद्रों और शिक्षा विभाग के माध्यम से मुफ्त दिए जाएंगे। इस योजना के तहत हर महीने छात्राओं को 6 सैनिटरी पैड स्कूलों में मुफ्त दिए जाएंगे। आपने सुना होगा कि मैंने पिछले वर्ष भर में जो बातें कही हैं, हमारा उसमें फोकस, वो 4S पर फोकस हमेशा मैंने बताया, और 4S में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन, अभी 4S थे जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं लगातार। शिक्षा पर बराबर काम हो रहा है, स्वास्थ्य पर बराबर काम हो रहा है, स्वावलंबन, लोगों को अपने रोजगार मिले, अपने पैरों पर खड़े हों, और सुरक्षा के नाते भी सब चीज़ें ठीक की जा रही हैं। उसी की एक कड़ी में आखिर स्वास्थ्य के नाते से महिलाओं का स्वास्थ्य और बालकों का स्वास्थ्य, छोटे बच्चों का स्वास्थ्य, इसकी चिंता विशेष इसलिए भी बनती है कि अगर महिला का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आने वाली भविष्य की पीढ़ी, उसका भी स्वास्थ्य तो आखिर कैसे ठीक होगा। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत से इलाकों में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की शिकायत मिली थी। इस कमी को दूर करने के उद्देश्य से गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं और 6 साल तक के बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से फोर्टिफाइड मीठा सुगंधित स्किम्ड मिल्क दिया जाएगा। हर लाभार्थी को रोजाना 200 मिलीलीटर दूध 300 दिन तक आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलेगा। एक स्वस्थ महिला ही
एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। तो इसलिए जो भी समस्याएं हैं, विशेष तौर पर अनीमिया की समस्या कुछ इलाकों में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इस अनीमिया प्रभावित जो भी हमारी माताएं, बहनें, बालिकाएं हैं या जो छोटे बच्चे हैं, इन सब की ओर मैं सबसे पहले तो हमारे जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उपायुक्त महोदय, सीएम ने साफ किया कि प्रदेश सरकार 4S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन विषयों पर काम कर रही है। अब इसमें 5वां S स्वाभिमान भी जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि अब व्यक्ति के घर पर ही सरकारी सेवाओं की डिलीवरी की जाएगी ताकि किसी परिवार या नागरिक के स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे। विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। नई शिक्षा नीति को लेकर चंडीगढ़ में बीजेपी और जेजेपी विधायक दल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और आपको बता दें कि बैठक में नई शिक्षा नीति सहित कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। और इस बैठक के बाद शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि संस्कृति मॉडल स्कूलों की संख्या बढ़ाने की सरकार की तैयारी है। संस्कृति मॉडल स्कूल जो अभी तक केवल 22 थे पूरे प्रदेश में, जिले में एक था, तो अभी उसका निर्णय लिया कि वो 98 की आज मंजूरी, उनमें से कोई एक दो, अगर कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पे एक भी नहीं आया, 6 विधानसभाएं ऐसे कहा कि जहां एक भी नहीं है, तो उनका भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शायद उनका एक जाँच कराएंगे और उसमें भी खुलेगा। तो इस हिसाब से लगभग 104 के करीब स्कूल जो है मॉडल संस्कृति स्कूल खुल रहे हैं। इसी प्रकार से अपने प्राइमरी के लिए भी यही मॉडल संस्कृति जो प्राइमरी स्कूल हैं उसका भी लिया, उसमें 1000 स्कूल हम खोलने जा रहे हैं जिसमें पहली क्लास से इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। तो इस प्रकार कुछ इसी प्रकार से प्ले स्कूल जो हैं उसका भी निर्णय सरकार लिया कि जल्दी वो भी खोलने वाले हैं। तो इससे जो शिक्षा में जो है वो अमूलचूल परिवर्तन होगा। जो बात अभी नई शिक्षा नीति में कही कि 3 साल के बच्चे का दिमाग काफ़ी विकसित होता है और 5 साल तक वो पूरा विकसित होता है, तो उसके लिए भी सरकार ने एक निर्णय लिया कि 3 साल का जो बच्चा है उसके लिए हम स्कूल में व्यवस्था करेंगे और उस प्ले स्कूल के लिए खोलेंगे। 1000 प्ले स्कूल हम खोलने वाले हैं और जल्दी उसकी शुरुआत। 104 तो स्कूल है सर, संस्कृति मॉडल स्कूल, इनका भी कोई पैरामीटर बनाया गया कि जैसे 90 विधानसभा, ये हमारा वैसे पहले जिले में एक था तो कम से कम विधानसभा में एक तो जरूरी है। वैसे तो हमने जो हमारा जो एजुकेशन का जो ब्लॉक है उसमें हमने खोलने का निर्णय लिया, लेकिन कई बार जो हमारा डेवलपमेंट का ब्लॉक है, एजुकेशन का ब्लॉक है, वो अलग अलग है, तो कई बार वो मिक्स हो जाता है। लेकिन जब बात करते हैं तो वो दूसरे ब्लॉक की बात करते हैं, वो एजुकेशन का ब्लॉक है, तो हर ब्लॉक में हमने एक रखा। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जो खाली रहेगी जिनमें नहीं था, 6 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जिन्होंने कहा कि उनके यहाँ कोई नहीं है, तो वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंसी के अनुसार भी होना चाहिए। सर, शिक्षा नीति पर भी कोई विधायकों में सुझाव आए हो या फिर आपने पर चर्चा क्या की शिक्षा नीति को लेकर? नहीं, आज शिक्षा नीति पे तो नहीं, लेकिन कुछ और सुझाव विधायकों ने दिए जिसके बारे में जो भी उन्होंने सुझाव दिए उन पर अमल करें। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार से हर वर्ग परेशान है और ऐसे में बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। वहीं दीपेंद्र ने कहा कि सरकार कोरोना काल में हरियाणा में बड़े बड़े घोटाले हुए, बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ को लेकर भी उन्होंने चुटकी ली। और अब खबर हिसार से, जहां हिसार के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता की समस्याएं सुनने पहुंचे बिजली मंत्री रणजीत सिंह को बर्खास्त पीटीआई का सामना करना पड़ा। मंत्री के आने से पहले काफी संख्या में बर्खास्त पीटीआई अपनी बहाली की मांग को लेकर रेस्ट हाउस के सामने प्रदर्शन करने पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पीटीआई रेस्ट हाउस के सामने ही बैठ गए। जब मंत्री रणजीत सिंह पहुंचे तो वो पीटीआई की बात सुनने के लिए रुक गए। इस दौरान एक बर्खास्त पीटीआई का गुस्सा भी फूट पड़ा और उसने मंत्री रणजीत सिंह से तीखे लहजे में बात की। बर्खास्तगी का आज हमारा 65वां दिन है और प्रदर्शन जो है, धरना है, वो हमारा 52वें दिन में प्रवेश कर चुका। चौधरी रणजीत सिंह के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने कमेटी का गठन किया था। आज हम मुलाकात के तौर पे नहीं आए थे, आज हम केवल जो 65 दिन
हमारे को अंधेरे में रखा है। उस सरकार की कमेटी की रिपोर्ट क्या है वो उसके बारे में पूछने आए थे, जिसका माननीय मंत्री जी के पास मुख्य तौर पर अगर देखें तो कोई विशेष जवाब नहीं था। उन्होंने ये कहा केवल भाई हम कोशिश कर रहे हैं, आप शांति रखिए, हम आपको रोड पर नहीं रहने देंगे, आपका रोजगार बचाएंगे, केवल यही बातें आश्वासन है। 65 दिन से लगातार और हम आश्वासन से रणजीत सिंह जी को ये बताया है कि 1983 परिवारों का पेट नहीं भरने वाला है, हमारे को रोजगार प्रदान करे, इन 1983 परिवारों का जल्द से जल्द रोजगार बहाल करे, ये हमारी बात हुई है। आश्वासन से हम 1983 के 83 पीटीआई संतुष्ट नहीं है और हम हमारा आंदोलन तेज करेंगे और लड़ाई लड़ रहे हैं, और सरकार जो है जब भी नींद खुलेगी सरकार की तो हमारा रोजगार बहाल होगा। रणजीत सिंह जी ने कहा कि हमारी जो 11 सदस्यीय कमेटी है वो कमेटी रणजीत सिंह से बात कर ले और आगे हम जो है मुख्यमंत्री जी के सामने उनकी बात करवाएंगे, केवल यही बात रखी है और बात हमारी लगातार होती रहती है, बात से अभी कुछ निकलने वाला नहीं है, न ही कुछ निकला है। अगर बात मजबूत तरीके से सरकार हमारे साथ करेगी उस दिन समाधान भी हो जाएगा। प्रदर्शन हमारा कंटिन्यू जारी रहेगा, आंदोलन के जो राज्य कमेटी के आदेश होंगे उसके अनुसार हमारा आंदोलन चलेगा। चरखी दादरी के बाढ़ा हलके से विधायक नैना चौटाला को भी पीटीआई टीचर्स की नाराजगी का सामना करना पड़ा। विधायक नैना चौटाला दादरी में परिवार पहचान पत्र वितरित करने के लिए लघु सचिवालय में पहुंची थी। इस दौरान पीटीआई अध्यापक नैना चौटाला से मिलने के लिए लघु सचिवालय पहुंच गए। जेजेपी जिलाध्यक्ष विजय मंदोला पर बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। इस पर नैना चौटाला ने बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों के बीच पहुंचकर माफी भी मांगी। हल्का अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, बल्कि नैना चौटाला का संदेश लेकर पीटीआई अध्यापकों के बीच में पहुंचे थे, इस दौरान उनके साथ झड़प हुई। उल्टा सीधा कुछ बोल जाऊं, मैं कह दूं आज ही आपको बहाल कर देंगे, आपको दोबारा पोस्ट पे लगा देंगे। हमारी कोशिश, हम लोग आप लोगों के साथ है, चाहे वो दुष्यंत हो, चाहे अजय सिंह जी हो, चाहे नैना चौटाला हो, हम लोग आप लोगों के साथ हैं। और बात अगर विजय मंदोला जी की करें तो मेरी नॉलेज में ये मैटर नहीं है, मैं उनसे बात करूंगी कि महिलाओं के साथ, क्योंकि मैं खुद महिला हूं और मैं पूरे जोर शोर से मैं कहूंगी कि मैं महिलाओं की तरफदारी करती हूँ, हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी रहती हूँ। अगर उन्होंने कुछ किया तो मैं आप लोगों से माफी मांगूंगी। मेरे पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने आपके साथ बदसलूकी की है, कोई बदतमीजी की है, ये फिजूल की बातें जो है, मैं माफी मांग रही हूँ। मेरे से बड़ा तो विजय मंदोला नहीं है ना, वो क्या रह गया? जब मैं माफी मांग रही हूँ मेरे से पढ़ा हो गया विजय मंदोला, मैं इससे फालतू कुछ नहीं कहूंगी, मैं विजय मंदोला की तरफ से माफी मांग रही हूँ। उल्टा सीधा। और चलिए अब देखते हैं इस वक्त की सुर्खियाँ। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक, सह प्रायोजक पेट सफा।